उत्तर भारतचा प्रमुख त्यौहार छठ पूजा या उत्सवाला साजरे करण्यासाठी जुहू या समुद्र किनारा बीचवर अलोट गर्दी पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण उत्तर भारत या समुद्र किनाऱ्यावर आपल्याला दिसून येत आहे. तर अनेक कुटुंब आहे ते या उत्सवाला साजरा करत येत आहे. संध्याकाळी जेव्हा सूर्य अस्त होतात तेव्हा ते सूर्याची उपासना करतात आणि सकाळी जेव्हा सूर्य उगतात तेव्हा सूर्याची उपासना केली जाते. याच्यामध्ये अनेक जण जे आहेत या इथे आपल्याला उत्सव साजरा करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर काही भाविक सध्या माझ्याबरोबर आहेत, त्यांच्याशी नेमकी बातचीत करूया. मुझे बताइए कि आप यहाँ पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या भावना लेकर? ये हम छठ पर्व की संध्या पर जैसे सागर देवता की पूजा करते हैं, छठ माई की पूजा करते हैं, ये बेसिकली उत्तर भारतीयों और बिहारियों में ज़्यादातर प्रचलित है. और तो कुछ नहीं, जैसे दो समय सूर्य देवता सागर देवता को सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है. एक संध्या काल के समय स्त्रियाँ आती हैं, पूजा पाठ होता है, उसका एक पद्धति होता है. उसके बाद सेम अर्घ हम सुबह भी देते हैं, सूर्योदय के पहले देते हैं. ज़्यादा आपको महिलाएं ही बताएंगी. और प्रसाद का भी महत्व है, जैसे गर्भवती महिलाएं वगैरह होती हैं वो इस प्रसाद को पाने के लिए लालायित रहती हैं, तो वो भी एक उसका मोटिव होता है. कई महिला माझ्या सोबत आहे, ते व्रत असतात आणि जेव्हा पूजा करतात संध्याकाळी या सकाळी नंतर हे व्रत करतात. काय मला सांगा, मेरे को बताइए कि आप यहाँ आई है, किस तरह से ये पूजा का नियम कैसा है और किस तरह से पूजा उपासना का विधि विधान? बहुत बड़ा है, सब लोगों के हिसाब से जैसा उनकी प्रथा है, जो उनके पूर्वज करते आए हैं उस हिसाब से फॉलो करते हैं इसको. और इसमें बिना पानी के 3 दिन का उपवास होता है, कहीं कहीं दो दिन करते, तो ज़्यादा करके यह पुत्र कामना के लिए ही किया जाता है और धन धान्य के लिए भी, अपनी विशेष पूरी करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे दिया जलाया जाता है, फल फूल जितने भी रहते हैं मिष्ठान, छठे दिवाली के छठे दिन पे जो पड़ता है उस दिन ये छठ पर्व मनाया जाता है. और अगले दिन सेम मतलब जल अर्घ दिया जाता है, उसमें भी बहुत विशेष पूरी करने की बहुत पावर है छठ मैया का. और इसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए बहुत जगह से लोग आते हैं. और इसमें जो प्रसाद बनाया जाता है उसकी भी अपनी एक मान्यता है, उसकी क्या मान्यता? तो मनाता है वो आप लोग, अरे वो चढ़ाते हैं, वो मन्नत जैसा करते हैं वैसा आप करते हैं, वो चढ़ाते हैं. और 4 दिन, कोई कोई 4 दिन रहता है, कोई कोई 2 दिन रहता है, अपना अपना वो देश देश का रिवाज है. हम लोग 2 दिन रहते हैं, तो दूसरा दिन पूजा करते हैं, फिर तीसरा दिन अर्घ उर्घ रख लेते हैं. ये बहुत हम लोग मानते हैं इसको, छठ माई को. उत्तर भारत का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और 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 माना जाता है कि ये व्रत रखने के बाद मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है. मतलब जीव की उत्पत्ति से लेकर रक्षा के लिए, मतलब पूरे घर संतान धन धान्य सबकी रक्षा माता करती है. और षष्ठी देवी से इनका नाम विख्यात है. सूर्य सब पूरा होता है, धन धान्य सब कुछ विशेष पूरा होता है, सब मंगल होता है. लोग इनको विधि विधान से नगाड़ा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और बहुत सारा मतलब करते हैं. उन क्या कहा जाता है अपने में, वो क्या बोलते हैं, कोसी भरा जाता है, कोसी. जैसे कि अब किसी ने का बहुत बड़ा महत्व होता है, होता है, तो जिसको संतान नहीं है तो उसने, कई लोग मन्नत मांगते हैं, वो सादा सिंपल सादा पूजा करते हैं. जब उनका संतान हो जाता है तो विधि विधान से नगाड़ा बजाते हैं, प्रसाद बंटवाते हैं और विधि विधान से वो पूजा करते हैं. जैसे शादी का है, कुछ अच्छा मंगल कार्य हुआ घर में, तो वो कोसी के रूप में यहाँ पर पूजा किया जाता है. पहले तो जुहू समुद्र किनारा पर उत्तर भारत से अनेक जे भाविक आहे इथे जमले आहेत, छठी मैयाचा पूजा करत असताना आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहन दुबे सह रमेश शर्मा, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.